काफी दिनों से बातें शुरू हुई कि टामा टोंगा WWE में आने वाले, टामा टोंगा ब्लड लाइन से जुड़ने वाले, बट आखिर ये टामा टोंगा है कौन, उसका ब्लड लाइन से क्या ही संबंध बनता है, तो यही इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। ये लंबी वीडियो नहीं होने वाले, बट स्टिल सोचा बना दू, एक मिनट की क्यों ना हो बट बना दू। टामा टोंगा का रियल नेम अल्फेटे फिफ्टा है, जो करंटली 41 ईयर्स ओल्ड है। सॉरी अगर नेम प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग किया हो, बट वैसे टामा टोंगा ने ईयर 2008 में WWE कैंप में ट्राई आउट भी दिए थे एंड उन्हें ये भी कहा गया था कि उन्हें WWE कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा और टेलीविजन पे भी लाया जाएगा, बट ये हुआ ही नहीं, जिसके चलते टामा टोंगा NJPW की तरफ चले गए, जहाँ इंटरेस्टिंगली बुलेट क्लब के वो फाउंडिंग मेंबर भी बने। एंड 14 ईयर्स के बाद अब ये रूमर्स चल रहे कि टामा टोंगा WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं एंड WWE ज्वाइन करते ही ब्लड लाइन में भी शामिल हो सकते हैं। बिगेस्ट क्वेश्चन इज, क्या टामा टोंगा अनोआ फैमिली से बिलोंग करते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं, टामा टोंगा टोंगा कम्युनिटी से रिलेट करते हैं। हाँ, बट टामा टोंगा के अंकल एंड अडॉप्टेड फादर हाकू अनोआ फैमिली से कहीं ना कहीं कनेक्शंस में है। भले हाकू अनोआ फैमिली से ब्लड में रिलेशन में ना हो, बट कई बार रोमर रेसर रॉक ने उनके प्रोमोस में हाकू को उनका अंकल कहा है। ये तो रही अलग बात, लेकिन रियल लाइफ की बात करूं तो वैसे टामा टोंगा एंड रोमर रेस में बिल्कुल भी अच्छे रिलेशंस नहीं है, क्योंकि ईयर 2018 में टामा टोंगा एंड रोमर रेस के बीच ट्विटर में कुछ वर्ड एक्सचेंज हुए थे, जिसके बाद टामा टोंगा ने रोमर रेस को सेटलमेंट के लिए NJPW रिंग में आने के लिए भी चैलेंज किया था, बट वो तो ट्राइबल चिप है, ऐसे ही कहीं पे भी नहीं चले जाते हो। लेकिन अब ऐसा लगता कि इन दोनों में जो रियल लाइफ राइवलरी थी वो अब खत्म हो चुकी है। एंड अगर टामा टोंगा सच में WWE कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दे तो ब्लडलाइन के न्यू मेंबर देखने के लिए सभी फैंस काफी एक्साइटेड हो जाएंगे। एंड अगर रोमन रेंस वर्सेस टामा टोंगा का मैच WWE कराती है, जो नॉर्मली होने वाला है नहीं, तो और भी बड़ी राइवलरी यहां से निकल सकती है। अब देखते हैं आने वाले टाइम में कि सच में टामा टोंगा ब्लड लाइन को ज्वाइन करते हैं या किसी और प्रोमोशन में चले जाते हैं। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना एंड वीडियो को लाइक कर ही दिया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपको एक न्यू वीडियो में विद न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन वॉच रेसलिंग फॉर द एंटरटेनमेंट, स्टे सेफ एंड एंजॉय योर लाइफ। गुड बाय।